क्या कर रहे हो, पागल हो क्या? अरे हग ही तो कर रहा हूँ। हालत देखी तुमने अपनी? यार पूजा तुम्हें पता है ना मेरा मैकेनिक का काम है, तो मैं क्या करूँ, हालत तो पूरे दिन ऐसी रहती है मेरी। तो दूर हो ना मुझसे, खुद गंदे हो रखे, मेरे कपड़े भी गंदे करने पे तुले हो। पूजा आज मैं बहुत खुश हूँ और इसलिए तुम्हें हक कर रहा था, एक गुड न्यूज भी देनी है तुमको। अरे तो दूर है के बता सकते हो ना, तुम्हारी खुशी मेरे कपड़ों से महंगी तो नहीं है ना? तुम्हें मेरी खुशी की नहीं अपने कपड़ों की पड़ी है। हाँ जरूर, क्योंकि मेरे कपड़े महंगे हैं। अरे पूजा कैसी बात कर रहे हो, अगर तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाते हैं तो मैं तुम्हें नहीं दिला दूंगा ना। अच्छा तुम नहीं कपड़े दिलाओगे, कहाँ लेके जाओगे मुझे शॉपिंग कराने? जहाँ तुम बोलो। जहाँ से मैं शॉपिंग करती हूँ ना वहाँ तुम्हारी औकात नहीं है जाने की, तो रहने ही दो। ये सब बातें छोड़ो, और तुम तो ऐसे बात कर रहे हो मैंने कभी तुम्हें शॉपिंग कराई नहीं। अरे तो कोई एहसान नहीं कर दिया तुमने, सारे बॉयफ्रेंड्स करवाते हैं शॉपिंग, और जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना उसके लिए तुम ज्यादा कुछ करते नहीं हो। पूजा अपनी औकात से बाहर रह के तुम्हें गिफ्ट दिलाए और तुम्हें शॉपिंग कराई है। अरे रहने दो, मुझे मत बताओ, मुझे अच्छे से पता है तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो। और ये क्या सड़ियल सा बैग लेके घूम रहे हो तब से? अरे इसी के अंदर तो खुशखबरी है। ऐसा क्या इसमें? तुम खुद ही देख लो। इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? पूजा मेरे ना पूरे 2 करोड़ की लॉटरी लगी है। क्या सच कह रहे हो? एक मिनट, क्या हुआ मनीष? अब तुम्हारे कपड़े गंदे नहीं हो रहे। अरे तो क्या हो गया, मैं नए कपड़े ले लूंगी ना, ये बात इतनी बड़ी है मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा तुमने सोचा है इन पैसों का क्या करोगे? नहीं अभी तो मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने सोच लिया, सबसे पहले ना हम बहुत महंगी गाड़ी लेंगे, फिर दुबई जाएंगे और वहां से खूब सारी शॉपिंग करेंगे। पूजा तुमको मेरे पैसे दिखे तो तुमने मुझे गले लगा लिया, वरना अभी तक तो तुम्हारे कपड़े गंदे हो रहे थे। अरे नहीं मनीष ऐसी कोई बात नहीं है, वो एकदम से तभी। मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा पूजा, तुम्हें पता है मुझे क्या समझ आया? तुमने मुझे नहीं मेरे पैसों को गले लगाया। अरे तुम्हारी नजर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे पैसों की वैल्यू है। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं जब भी ऐसा ही था और पैसा आने के बाद भी ऐसा ही हूँ। मनीष मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, आई एम सॉरी ना, पर तुम ये सब गलत समझ रहे हो, मैं ऐसी नहीं हूँ। अब इन सब का कोई फायदा नहीं है पूजा, मैं ऐसी लड़की से प्यार नहीं कर सकता तो मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करती हो। और अगर तुम्हें इन पैसों से इतना ही प्यार है ना तो जाओ कमाओ और करो उनसे प्यार, और मुझे समझ में आ गया मुझे इन पैसों का क्या करना। बाय मनीष। मनीष एक बार सुन तो लो।